हेलो भाई, मेरा नाम है मयंक देशवाल और भाई आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ मारुति सुजुकी की बलेनो। और जो आज का मॉडल होने वाला है वो आपको देखने से पता ही लग गया होगा भाई, ये है सिग्मा मॉडल और ये 2021 का BS6 का वेरिएंट, BS6 जो इसके अंदर इंजन आता है उसका ये वेरिएंट आपका रहने वाला है भाई। गाइस इसके अंदर कार के अंदर कुछ एसेसरीज लगी हुई है कंपनी फिटेड, तो भाई वो भी मैं आपको दिखा दूंगा पूरा कि आपको ये एसेसरी अगर आप कंपनी से लगवाते हो कितना इंक्लूडिंग वगैरह सब कुछ लगा के आपको ये ऑन रोड कार पड़ जाती है। बेसिकली हम इसकी बात करने वाले हैं आपको 2021 के अंदर क्या क्या चेंजेस दिखने वाले हैं। और भाई सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इंजन की, तो आपको इसके अंदर वही 1.2 लीटर का इंजन आता है जो आपका, अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब सीसी की बात करते हैं तो वो पड़ता है आपका 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन इसके अंदर आता है। अगर आप इसकी पावर की बात करोगे तो आपको भाई ये 82 BHP की पावर, मतलब 82 BHP की पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क की आपको पावर जनरेट करके देती है। सिटी में आपका 19 का और हाईवे पे 21 का ये कंपनी इसका क्लेम करके देती है माइलेज को। बेसिकली अगर हम गाड़ी की लेंथ की बात कर लें तो भाई ये पड़ती है आपको 3995 mm की। देन वाइड की बात करोगे तो भाई वो पड़ती है आपको 1745 mm की। हाइट की बात करोगे तो वो पड़ती है आपको 1510 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे भाई वो पड़ती है आपको 170 mm की। देन व्हील बेस की तरफ अगर हम चलते हैं तो भाई वो पड़ती है आपको 2520 mm की। देन गाइस अगर आप गाड़ी का कर्व वेट की बात करोगे, मतलब केजीज की बात करोगे तो वो पड़ती है आपको 865 किलो की ये कार पूरी टोटल में। देन अगर आप गाड़ी की टर्निंग रेडियस की बात करोगे बलेनो की तो भाई ये पड़ता है आपको 4.9 mm का। देन हम चलते हैं इसके फ्रंट ग्रिल की तरफ, तो भाई फ्रंट में आपको मिलती है मैट ब्लैक में आपको ग्रिल। देन आपको बीच में मिलता है मारुति सुजुकी का लोगो जो कि ब्रॉड लोगो मिलता है आपको। देन अगर हम इसकी लाइट्स की तरफ चलेंगे तो भाई आपको मिलता है इसके अंदर हेलोजन लाइट्स जो कि येलो में आती हैं। देन आपका पार्किंग लाइट मिल जाएगी, देन आपका टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे लाइट्स के अंदर ही। फॉग लैंप का एसेसरीज कोई ऑप्शन आता नहीं है, आप एसेसरीज में इसको कंपनी से लगवा सकते हैं। देन अगर हम कार के साइड प्रोफाइलिंग से बात करें तो भाई आपको फेंटर के ऊपर मिल जाता है टर्न इंडिकेटर्स कंपनी से। ओवरएम्स की बात करोगे तो भाई आपको मैनुअली फोल्ड और अनफोल्ड मिलते हैं। बाकी अगर आपको इसके सेट्स की बात करोगे तो भाई यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको अंदर से कोई नोक वगैरह मैनुअली नहीं दे रखा है। देन चलते हैं कार के टायर साइज की तरफ, तो भाई आपको MRF की कंपनी फिट टायर मिलते हैं कार के अंदर। टायर साइज की बात कर लोगे तो भाई वो पड़ते हैं आपको 185x65R 15 इंच के स्टील रिम जो कि आपके दिख ही रहे होंगे भाई। गाइस इसके अंदर व्हील कैप्स भी आते हैं कंपनी फिटेड जो कि अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये अभी लगे हुए नहीं है, तो मैं भी स्टॉक गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ। वैसे कुछ ऐसी जो गाड़ी के अंदर लगी हुई हैं, कुछ हैं जो नहीं लगी हैं, तो भाई वो मैं आपको कवर कर दूंगा पूरा। बाकी अगर आप गाड़ी के डोर हैंडल्स देख रहे होंगे तो भाई ये बॉडी कलर डोर हैंडल्स आते हैं कार के अंदर, ये एसेसरीज के उस पर लगा हुआ है आपके क्रोम डोर हैंडल्स। देन हम चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइलिंग, रियर प्रोफाइलिंग से अगर हम कार की बात कर लें तो आपको बलेनो की बैजिंग मिल जाएगी। देन बम्पर की बात करो तो भाई बम्पर में मिलेंगे आपको 4 सेंसर्स। देन बम्पर के ऊपर ही मिल जाएंगे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स। देन मड फ्लैप्स आप अगर जो देख रहे होंगे कार के अंदर, भाई ये भी आपका एसेसरीज का पार्ट है। देन आपकी जो रियर में आती है आपकी LED लाइट्स, टेल लाइट जो आती है कार के अंदर वो आती है LED, स्टॉप लैंप, देन आपका हैलोजन बल्ब आते हैं आपके टर्न इंडिकेटर्स, देन रिवर्स पार्किंग लाइट के अंदर। पीछे आपको मारुति सुजुकी बैजिंग मिल जाएगी। एक जो टॉप मॉडल के अंदर इसके अंदर क्रोम बेल्ट आती है वो उसके अंदर आता नहीं है डेल्टा मॉडल तक, बाकी आपको जेटा अगर आप और अल्फा लोगे तो उसके अंदर ये क्रोम बेल्ट आपकी आ जाती है जिससे इसके रियर की लुक और ज़्यादा इनहेंस आती है। बाकी आप एसेसरीज के तौर पर इसको भी आप लगवा सकते हो। देन आपको मिलेगा रियर पे भाई आपको स्पॉइलर विद हाई माउंटेन स्टॉप लाइट। देन आपको रियर में डिफॉगर और रियर वाइपर का ऑप्शन मिलता नहीं है, आपने नेक्सा की बैजिंग ब्रांडिंग हो रखी है। देन गाइज आप अभी जो मिरर्स के साइड में देख रहे होंगे क्रोम गार्निश है भाई, ये भी आपका एक एसेसरीज का पार्ट है। वैसे ये कार के अंदर आती नहीं है, इसका रबर की जैसे आप ये देखेंगे रबर टाइप में ब्लैक कलर में आपका आता है ये। देन अगर आप इसकी कार की कीज़ की बात करोगे भाई आपको इसका सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी, ये भी आपका एसेसरीज का पार्ट है, आप लगवा सकते हो कंपनी से। और आपकी जो आवाज़ है जैसे बाहर अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो अलग आवाज़ आती है। देन आपको ये कंपनी फिट आवाज़ आपको इसके अंदर हॉर्न मिल जाता है, जैसे बी अभी मैं खोलता हूँ इसको, देन मैं इसको लॉक करूँगा तो भाई अब इसको अनलॉक करते हैं। देन हम चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ, तो ड्राइवर साइड डोर की तरफ अगर हम बात करें तो आपको दो इसके अंदर फिजिकल की वैसे कार के अंदर मिल जाती हैं, तो यहाँ पर अभी आपकी जो है ये फिजिकल की यहाँ पे लग जाती है। देन अगर हम ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो भाई यहाँ पे आप अपनी स्पीकर की प्लेसमेंट करवा सकते हो, और या इसके अंदर स्पीकर ऑलरेडी फिट हैं। बाकी आपको इसके अंदर दो फ्रंट में दो पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं। देन आपको ड्राइवर साइड जो विंडो मिलती है ये ऑटो मिरर अप डाउन, देन आपका आपके साथ डाउन के साथ आती है, आपके साथ शिफ्टर आता नहीं है। बाकी इसका जो लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाएगा। देन यहाँ पे मिल जाएगा आपको वोटर होल्डर, देन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको पॉकेट्स, देन ये मिल जाएगा आपको डोर ओपनर जो कि आपका मैट ब्लैक कलर में मिलता है। देन आपके डोर्स लॉक और अनलॉक का आपके यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देन आपको सीट्स एडजस्टमेंट मिलता है, ये नॉर्मली जो हर कार के अंदर आती हैं, आपको हाइट एडजस्टमेंट का इसके अंदर सिस्टम मिलता नहीं है। देन हम चलते हैं अभी कार के अंदर, तो भाई अभी AC वगैरह चल रखा है तो थोड़ा इसको एक बार बंद कर लेते हैं।
देन आपको मैं स्टेयरिंग की बात कर लोगे तो भाई आपको स्टेयरिंग मिलता है टिल्ट, तो टेलीस्कोपिक का कार के अंदर आपको ऑप्शन आता नहीं है भाई। गाइज आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएंगे आपके वाइपर से कंट्रोलर, जो आपके फ्रंट के कंट्रोलर हैं, रियर में इसके अंदर वाइपर आता नहीं है। राइट हैंड साइड मिल जाएंगे आपको लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स के कंट्रोलर। देन यहाँ स्टेयरिंग में मिल जाएगी आपको मारुति सुजुकी की बैजिंग। देन आपका यहाँ पर साइडों में क्रोम पार्ट से फिनिश कर रखा है। देन आपको जो ये मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि भाई आपका एनालॉग मीटर है, स्पीडोमीटर आपके ये एनालॉग मीटर में आता है। देन यहाँ पे थोड़ा बहुत डिजिटल है, जो आपका पेट्रोल वगैरह हो गया, देन किलोमीटर्स हो गए, देन यहाँ पे आपके कुछ रिमाइंडर्स हो गए, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इंजन के लाइट हो गए, देन डोर्स ओपन के रिमाइंडर हो गए, तो ये आपको हैंड ब्रेक रिमाइंडर हो गए। तो इस टाइप से आपको इसके अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं। पीछे कंसोल की बात कर लोगे तो भाई उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ एसी वेंट्स आपको इस टाइप से इस गाड़ी के अंदर देखने में आएंगे, जो कि आपका पूरा मैट ब्लैक कलर के अंदर इसका फुल इंटीरियर जो आता है इसका ब्लैक कलर के अंदर। देन आपको यहाँ पे स्क्रीन आती नहीं है कंपनी से, वैसे ही आपका एसेसरीज का पार्ट है, तो ये पाइनर की स्क्रीन कार के अंदर लगी हुई है। देन तो भाई इसका कैमरा लगा हुआ नहीं है वैसे रिवर्स में, आप चाहो तो कंपनी से लगवा सकते हो। बाकी इसके अंदर जो है आपका मिल जाता है भाई मैनुअली एसी, जो आपका चलाने मैनुअली आपको एसी चलाना पड़ेगा कार के अंदर। देन यहाँ से आपको हजार्ड लाइट ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, तब देख रहे होगे तो साइड से आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पेसिंग मिल जाती है अच्छी खासी, यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट का चार्जर मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी लाइट्स वगैरह की कमी है, एवं मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ कार की। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट चार्जर मिलता है, यहाँ पे अच्छी खासी स्पेसिंग मिल जाती है। देन यहाँ पे दो कप होल्डर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये आपका मिलता है 5-स्पीड मैनुअल गियर नॉग। देन यहाँ पे आपको भी हल्की फुल्की स्पेसिंग मिल जाती है, आपका हैंड ब्रेक हो गया। देन आर्म रेस्ट की अगर आप बात करते हो तो भाई आपको इसके अंदर आर्म रेस्ट मिलता है, जो कि आपका जेटा और अल्फा मॉडल के अंदर आता है। ये आपका एसेसरीज का पार्ट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये आपका एसेसरीज का पार्ट है। तो ये आप भाई आपको एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन आपको कार के अंदर मिल रहा है जो कंपनी से है। बाकी अगर आपको रिवर व्यू मिरर की बात करोगे तो भाई ये आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, ये आपको ऑटो डिम वाला आता नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टिकट होल्डर का ऑप्शन। देन सेकेंडरी वैनिटी पे आपको एयरबैग की बैजिंग कर रखी है। देन सिंपल आपको और कुछ मिलता नहीं है। फ्रंट में आपको कैबिन के अंदर लाइट मिलती नहीं है। देन आपको मिड में कैबिन के अंदर लाइट मिल जाती है, ये आपने डोर्स के साथ भी कर सकते हो, लाइट्स ऑन और ऑफ। देन अगर आप इसके ग्लव बॉक्स की बात कर लोगे तो भाई आपको वही जो आपका टॉप से लेके बेस तक जो आपका कार के अंदर स्पेस आता है, आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। इतना अच्छा खासा आपको स्पेस कार के अंदर प्रोवाइड कराते नहीं है ग्लव बॉक्स में। हाँ, आपका कागज वगैरह कार के अंदर इजीली आ सकते हैं और थोड़ा बहुत सामान भी आ सकता है। देन चलते रियर प्रोफाइलिंग से अगर कार की हम बात कर लें की तरफ, तो रियर डोर से अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वोटर होल्डर। देन यहाँ पे आपके कार्स के जो मैट वगैरह रखे हुए हैं। देन आपको ये मिल जाएगा आपके मिरर डाउन अप करने का मैनुअली सिस्टम रियर के अंदर। आप चाहो तो भाई इसके अंदर कंपनी से मिरर्स डाउन एंड अप को अपना पूरा लगवा सकते हो। देन आपको जो मैंने बताया था पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है, तो ये आपका जो ग्रैब हैंडल दे रखा है आपका रियर में, जब ग्रैब हैंडल हो गया, देन आपका ये डोर ओपनर हो गया। देन आपको हेडरेस्ट की बात करते हैं तो भाई तो फ्रंट में आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। देन रियर के जो हेडरेस्ट हैं वो आपको सेट मिलते हैं पूरे के पूरे। देन स्पेसिंग की बात करोगे तो भाई पूरी सीट अभी मैंने पीछे कर रखी है फ्रंट की, और बाकी आप मैं कह रहा हूँ इजीली आप बैठ की कार के अंदर जा सकते हो। वैसे इतना पीछे करके बंदा कोई भी नहीं चलाएगा, 6 फुट का बंदा भी नहीं चलाएगा भाई इतना पीछे करके तो। और बाकी यहाँ पे आपको लेग रूम वगैरह अच्छा मिल जाता है, हेड रूम वगैरह बहुत ही अच्छा मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपके रखे हुए हैं एसेसरीज जो अभी इस कार के अंदर लगने वाली है। और गाइस कल से नवरात्रि वैसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल कुछ कार्स की यहाँ पे डिलीवरी भी है, तो इसलिए यहाँ पे जो जिन बंदों ने बुक कर रखी है उनके लिए यहाँ पे जिन्होंने एसेसरीज का बोला हुआ है तो एसेसरीज लगी हुई है। भाई गाइस अगर आप बलेनो सिग्मा मॉडल का ऑन रोड प्राइस की बात करोगे तो भाई वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा, आई अच्छा लगा होगा, मैंने सब कुछ बता दिया, इंजन वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह क्या मिल जाती है। बाकी गाइस आपको कार के अंदर शार्पिंग एंटीना मिलता नहीं है, नॉर्मल एंटीना मिलता है जो कि अभी इसके अंदर लगा हुआ नहीं है, वो बाद में लग जाएगा। बाकी आपको जो रेडियो वगैरह एफ एम में आपका जो मदद करेगा। देन गाइस आपको आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी चैनल पर नया चैनल करो अभी से सब्सक्राइब और ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। भाई गाइस वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।